नमस्कार दोस्तों, वाल लीकेज के बारे में मैंने पिछला वीडियो रिकॉर्ड किया था। अभी दूसरा स्टेप चालू है। मैंने कुछ अलग तरीके भी अपना के देखे वहाँ पे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। लेकिन जो रियल लीगल प्रॉब्लम है उसके बारे में ही वीडियो बनाना चाहिए, ताकि बेनिफिट हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने तोड़ के भी देखा है, यहाँ पे सब कुछ लीकेज कहाँ से हो रहा है। लेकिन ये जो सीमेंट का गोनी होता है, उसका बांधकाम करते समय कुछ वायर रहता है, धागा रहता है, मराठी में दोरा वगैरह बोलते हैं उसको, रस्सी बोल सकते हैं आप हिंदी में, गोनी का जो धागा वगैरह रस्सी रहता है, वो यहाँ पे ईंट में फंसा हुआ था। और देखिए, यहाँ पे मैंने जो प्लेट है मेरा एंगल वॉक का, वहाँ पे पानी का बूंद दिख रहा होगा आपको, वहाँ से वो गिर के ये डोरी से, क्योंकि ये नायलॉन का डोरी है, तो यहाँ से गिर के वो डोरी पानी खींच रहा होगा ईंट के ऊपर। ईंट दूसरी ईंट को दे रही है और ऐसा खींच खींच के लंबा दूर तक लीकेज दिख रहा है। तो ईंट यहाँ पे पानी ऑब्जर्व कर ले रहा था वो डोरी के कारण। तो पाइप में तो लीकेज वगैरह है ही नहीं यहाँ पे, तो ये एक आपका मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको देखना है स्टेप टू स्टेप, और तीसरा भी वीडियो में यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो नीचे भी एंगल कॉक के नीचे जो ऊपर का टॉप कॉर्न ऑफ था, वहाँ पे नीचे से भी लीकेज नहीं हो रहा है, वो भी मैंने कंफर्म कर लिया। तो शायद मुझे या तो एंगल कॉक बदलना पड़ेगा अभी। ये नीचे का वेस्ट पाइप भी था यहाँ पे, पहला वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखाई पड़ेगा आपको कि वहाँ पे एक अलग पाइप था। तो मैंने अभी पीवीसी फिटिंग कर लिया वहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। तो ये भी करके देख लिया, वीडियो का तो आपको यही करना है। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में।